हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुणा गौतम। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही झटपट और इजी से बनने वाली रेसिपी, कैरमलाइज्ड बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं कैरमलाइज्ड बनाना। तो सबसे पहले हम गैस पे एक पैन रख लेंगे और इसमें मैं अब एक चम्मच बटर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग घी भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको बटर यूज़ नहीं करना है। तो बटर हमारा मेल्ट हो गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून हनी। मैं यहाँ पे शुगर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें या आपके घर में हनी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें शुगर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम। और इसमें मैं थोड़ा सा सिनेमन और थोड़ा सा एक चुटकी भर नमक डालूँगी अभी, और इसको एक अच्छा सा कैरमलाइज फॉर्म हम दे देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है वैसे ही। और साथ ही में यहाँ पे मैंने 2 बनाना के स्लाइसेस करके रखे हैं इस तरीके से। तो अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ अपने पैन में, और हमें बनाना के स्लाइसेस को दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। और एक चीज़ का याद रखिए कि जो बनाना आप यूज़ करेंगे वो थोड़े से ज़्यादा पके हुए बनाना मत लीजिएगा। थोड़े जो टाइट बनाना होते हैं वही यूज़ करिएगा, तो ये कैरमलाइज बनाना बहुत अच्छे से बनेगा। तो एक तरफ से हम इसे 4-5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद हम इसे फ्लिप कर देंगे इस तरीके से, और ये पूरा कैरमलाइज कोटिंग जो है वो हमारे बनाना के ऊपर हो जाएगी अच्छे से, और टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा ये बनाना जब आप बनाएंगे तो। और बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएगा। आफ्टर डिनर आप इसे सर्व कीजिए, या वैसे वीकडेज़ में या वीकेंड्स पे कई बार मन करता है कुछ मीठा खाने का, मीठे की क्रेविंग होती है, तो आप ये बनाइए और पूरी फैमिली के साथ इंजॉय करिए। एक आइसक्रीम का बड़ा सा ब्रिक लेकर और इसके ऊपर एक एक स्कूप आइसक्रीम डालकर आप इसे खाइए, बहुत मज़ा आएगा। और हमारे कैरमलाइज बनाना ऑलमोस्ट रेडी हैं। ये अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरीके से। और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये कैरमलाइज बनाना बनाते हैं तो एकदम से खाने मत लग जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होंगे और आपका मुंह भी जल सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के ठंडा करके फिर से इंजॉय करिएगा। टन टन, हमारी ये रेसिपी रेडी है और आप इसे ज़रूर बनाइए और ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी, भी बहुत पसंद आएगी। थैंक यू गाइज, बाय बाय।